स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम बात करेंगे एक और सॉफ्टवेयर के बारे में। बेसिकली ये आपका एंटीवायरस है और कैसे आप आपके पीसी के इनबिल्ट एंटीवायरस को इनेबल कर सकते हो विंडोज़ के। जो लोग मैक यूज़र हैं या लिनक्स यूज़र हैं, गुड बाय। और जो लोग विंडोज़ यूज़र हैं, देखते रहिए। अब अगर आपके पास विंडोज़ 7 है तो आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल। ये है तो विंडोज़ डिफेंडर ही जो इसमें आता है विंडोज़ 8 और 10 में, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन विंडोज़ 7 में ये प्री इंस्टॉल्ड नहीं रहता। विंडोज़ डिफेंडर रहता है पर वो उतनी अच्छी सिक्योरिटी नहीं देता। वो बेसिकली एक एंटीवायरस नहीं है, हाँ थोड़ी बहुत सिक्योरिटी दे देता है पर ये उसका काम पूरा कर देगा। इसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल। ये फिलहाल 14 MB का ही कुछ है, लेकिन जब आपको इसको डाउनलोड करके अपने पीसी में इंस्टॉल करने जाओगे तो उस टाइम पर ये आपसे नेट मांगेगा और प्रॉपर इंस्टॉल होगा डाउनलोड होने के बाद। और क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट का है, फ्री है, विंडोज़ 7 यूज़र के लिए है और विंडोज़ विस्टा के लिए भी है। सिस्टम रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। 7 और विस्टा यूज़र ओनली। अगर 8 है और 10 है तो उसके बारे में थोड़ी देर से बात करते हैं, फिलहाल इसके बारे में बात करते हैं। ये आपको अच्छी सिक्योरिटी देगा फ्री में, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस रेगुलर अपडेट करते रहना नॉर्मल एंटीवायरस जैसा। बाकी अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप कोई ऐसे यूज़र हो जो बिजनेसमैन टाइप के ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए आपको तो पेड एंटीवायरस पर जाओ। बट अगर फ्री में यूज़ करना चाहते हो तो इन्हें यूज़ करो बजाय दूसरे जो फोकट के एंटीवायरस होते हैं जो आपको बार बार बाय करने को और ये सब चीज़ें बोलते रहते हैं कि की डालो, ये करो, वो करो। या करेक्ट एंटीवायरस यूज़ करने से तो अच्छा ही है ये कि आप माइक्रोसॉफ्ट का फ्री एंटीवायरस यूज़ करो जो आपके सिस्टम को सिक्योरिटी देगा। बात करते हैं 8 और 10 के लिए। तो 8 और 10 में आपको विंडोज डिफेंडर मिलता है। कसम से ये बहुत प्यारा एंटीवायरस है। मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा निकलेगा, लेकिन ये बहुत अच्छा है। हालांकि विंडोज़ 8 में ये उतना अच्छा से परफॉर्म नहीं करता और 10 के शुरुआती वर्जन में भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता, लेकिन मेरे पास फिलहाल विंडोज़ 10 का लेटेस्ट वर्जन है जो है 1809। नहीं, ये तो अपडेट का है। सिस्टम अबाउट विंडोज़ 10 प्रो 1809। तो ये इसमें तो बहुत ही सही काम करता है। मैंने ट्राई करके देखा, मेरे कुछ पेन ड्राइव से जो मैं वायर्स भरा गया था क्योंकि मैंने अपने पीसी अपने कॉलेज के लैब में लगा दिया था, लैब के पीसी में लगा दिया था। तो खैर जो भी है, जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट किया थोड़ा टाइम लेता है ये स्कैन करने में, थोड़ा ढीला है ये, लेकिन बहुत प्यारा काम करता है कसम से। और इसके रहते अगर आप कोई पेड एंटीवायरस यूज़ करते हो तो मुझे नहीं लगता कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो, क्योंकि जब अगर आप फ्री में कोई काम कर सकते हो, अच्छे से करवा सकते हो, तो फिर क्यों उसके लिए पैसे देना। हालांकि अगर आपको कोई एडवांस सिक्योरिटी चीज़ जैसे पेंटर कंट्रोल और ये सब चीज़ें चाहिए तो आपको ज़रूरत है पेड एंटीवायरस की। बट अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो तो बस इसको अपडेट करते रहो रेगुलर बेसिस पे। इसके अपडेट यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, इसके अपडेट आपको मिलेंगे सेटिंग्स में, अपडेट के ऑप्शन में ही, सेटिंग्स में, सिक्योरिटी में, अपडेट्स में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा अपडेट। आपको वहाँ से कोई अपडेट नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप बाकी सेटिंग्स कर सकते हो। इवन कि अगर आप कोई ऐसा फोल्डर या फाइल जिसमें आपने कोई क्रैक रखा हुआ है तो आप यहाँ सब सारी सेटिंग्स मतलब आप नॉर्मली कर सकते हो। स्कैन करना हो कोई बाहर की पेन ड्राइव या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या ऐसा कुछ आपको स्कैन करना हो वो सब भी हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम प्यारा चलता है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। देखो यह नेट फ्रेमवर्क विंडोज 10 वर्जन नहीं आया है, उसके लिए अपडेट नहीं है, हो गया होगा क्योंकि मेरा लैपटॉप हमेशा कनेक्टेड रहता है नेट से, तो हो सकता है बैकग्राउंड में हो गया अपडेट, पर इसके अपडेट आते रहते हैं और ये परफेक्ट काम करता है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।